टाइम न्यूज समूह की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर विजयनगर स्थित राग द बिस्ट्रो पब के बाहर हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी और लोकायुक्त से रिटायर्ड डीएसपी शिव सिंह यादव का भांजा विजय उर्फ सोनी यादव और महेश अब तक पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस मुंबई रवाना हुई है। दरअसल इंदौर के विजयनगर स्थित पब के बाहर हुए गोलीकांड में मुख्य आरोपी सोनी यादव और महेश फरार चल रहे हैं, लेकिन आरोपियों के साथी रामेंद्र गुप्ता और राहुल दांगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राहुल दांगी ने बताया कि गोलीकांड के बाद सोनी ने घर छोड़ा था। वहीं विवाद का कारण भी पुलिस को बताया कि एंट्री को लेकर पब मालिक व साथियों ने सोनी से गाली गलौज की तो विवाद बढ़ गया था। विजयनगर थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर के अनुसार पब में हुए विवाद के मुख्य आरोपी महेश और विजय उर्फ सोनी यादव की तलाश की जा रही है। आरोपियों की लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र में मिली है, जिसके आधार पर पुलिस टीम रवाना हो गई है। फिलहाल आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। जल्दी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। गौरतलब है कि पब के बाहर हुए विवाद में पुलिस अब तक मुख्य आरोपियों को पकड़ने में नाकामयाब साबित हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पब में जो पब के बाहर गोलीकांड हुआ था उसमें 307 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया था। उसमें जो आरोपी फरार चल रहे थे उन आरोपियों में से एक आरोपी को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी जो सोनी यादव है अभी फरार चल रहा है, उसके लिए मुंबई हमारी टीम गई है, लगातार दबिश दे रहे हैं और शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। सर, उसका एक और साथी भी है महेश चौधरी बताया जा रहा है। हाँ, ये चीज़ भी आई है कि महेश गुप्ता हैं, वो उनके साथ में थे। इन्वेस्टिगेशन में इस पार्ट को भी शामिल कर रहे हैं। लगातार हम लोग दबिश दे रहे हैं, आरोपी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल टीम का क्या पॉइंट है, किस तरह हुआ गया है? हमें कुछ लीड मिली थी, उस लीड के आधार पर हमने मुंबई टीम भेजी है और जैसे ही आरोपी गिरफ्तार होगा आप लोगों को बताएंगे। सर, पूछताछ में जो बाकी जो आरोपी पकड़ाए हैं, जो आरोपी उन्होंने पूछताछ में बताया कि गोलीकांड का कारण क्या रहा और उसके बाद हाँ। वह आरोपी कहाँ गया था, इनको कैसे छोड़ा, ये दोनों अलग कैसे हुए? एक आरोपी हमारे द्वारा राजू दांगी को गिरफ्तार किया गया था, उसके द्वारा बताया गया था कि पब में अंदर जाने को लेके हुट्टक हुई थी, इसी बात पर से गाली गलौज हुई और उसके बाद में इसके द्वारा गोली चला दी गई थी सोनी यादव के द्वारा और फिर वहाँ से फरार हो गया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और